हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीसी लिमिटेड के बारे में, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बारे में। और ये कंपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है, और कंपनी का जो मेन काम है वो है बिल्डिंग, हाउसिंग, रोड, ब्रिज, ये सब में कंस्ट्रक्शन करना। कुछ समय पहले इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स का भरोसा दिखा था, क्योंकि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स जो कि जिनके ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं मार्केट में, उन्होंने इसके ऊपर भरोसा दिखाया था, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला ने। तो फिर भी, लेकिन उसके बाद से भी काफ़ी ज़्यादा इस शेयर का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, और मोर देन 50% ये काफ़ी ज़्यादा मतलब गिर चुका है। तो ये जो साल था, ये पूरा साल ही इस शेयर के लिए काफ़ी अच्छा नहीं रहा था। इसका बेसिकली मेन रीज़न ये है कि जो आंध्र प्रदेश में और जो यूपी में कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स थे, उसमें कंपनी के जो जो गवर्नमेंट जो चेंज हुई है वहाँ की, उस वजह से जो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे उसमें स्टे लग गया है कंपनी के, जिसकी वजह से 7,000 से लेकर 10,000 तक के जो प्रोजेक्ट्स थे कंपनी के, उनमें पेमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इन पेमेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से जो कंपनी का जो डेट है वो भी बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं। जैसे कि ऐसा उम्मीद है कि जो 99.3 करोड़ जो कंपनी का डेट है वो बढ़ के 2190 करोड़ तक जा सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है ये। फिर भी, लेकिन कंपनी का जो कहना है कि फरवरी 2020 में कंपनी का कोई एक नया प्रोजेक्ट मिला है जो कि 85 करोड़ का है, प्लस कंपनी का जो एक पुराना प्रोजेक्ट जो था 1560 करोड़ का, जो मतलब ये दोनों मतलब बिल्डिंग से रिलेटेड बिल्डिंग डिवीज़न के प्रोजेक्ट्स हैं, और ये जो प्रोजेक्ट है ये NBCC से रिलेटेड है न्यू दिल्ली के। तो ये जो दोनों प्रोजेक्ट हैं, ये नए प्रोजेक्ट जो हैं, इन्हें मिले हैं 85 करोड़ के, और 1560 करोड़ का जो इनका जो प्रोजेक्ट है वो दोबारा से उसे चालू कर दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है कंपनी के लिए फ़िलहाल तो, और दोनों प्रोजेक्ट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि कंपनी की जो गोइंग कंसर्न है उसमें बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। तो अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है इस शेयर में, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको होल्ड करना चाहिए थोड़े टाइम के लिए। अभी लॉस में लॉस बुक करके निकलने का कोई मतलब मुझे नहीं दिखता इस कंपनी में। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स।